हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग लास्ट वीडियो में जो स्टडी कर रहे थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ, तो मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताया था एंड कुछ क्वेश्चंस बताया था। बट मैंने पहले ही बताया ये एक एप्लीकेशन है, ये एक कंसेप्ट है। आप कंसेप्ट को समझोगे फिर आप उसको खुद यूटिलाइज कर पाओगे, खुद उसको एप्लीकेशन के रूप में यूज कर पाओगे। बट उसके लिए यह जरूरी है कि आप कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। तो ये पॉसिबल नहीं था, मैंने 27 मिनट का करीब का वीडियो बना था लास्ट वीडियो, तो उसमें सारा कंसेप्ट आपको बता पाऊं या फिर सारा कंसेप्ट समझा पाऊं। हम लोग आज फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे कुछ बेसिक चीजों को एंड कुछ क्वेश्चन आज भी सॉल्व करेंगे। और मैं बेसिकली ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका जो टेंडेंसी है वो और आप इजिली और आप समझ पाओ, जल्दी आप जल्दी से बना पाओ, ठीक है ना। तो कोई भी समस्या आए तो खुल के बताना है। हम लोग एक बार फिर से जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं लास्ट चीजों को जो हम लोगों ने पढ़ा था एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट फ्यू क्वेश्चंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। चलिए बात समझते हैं। हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था लॉग का। पहला प्रॉपर्टीज क्या था लॉग का कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता था वाई बराबर लॉग, लॉग लगा रहे और ब्रैकेट में x दिया रहता था और उसका कुछ पावर दे देता था, सपोज करते हैं पावर n था, तो लॉग क्या बोलता है कि पहले डिफरेंशिएशन तुम बाद में निकालना, पहले हम खुद ब खुद अपने आप इसको और सिंपल करना चाहेंगे। तो लॉग कैसे इसको सिंपल करता है, तो ये जो पावर है उसको लॉग बाहर मल्टीप्लाई में ले आता है। मतलब क्या, सिंपल भाषा में लॉग के अंदर ब्रैकेट में अगर कोई भी चीज है और उसका होल का पावर कुछ भी दिया है वो पावर बाहर में आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग एक्स। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टीज जिसमें पावर को सिंप्लीफाई कर दे रहा था लॉग खुद ब खुद, या फिर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा था। इसके बाद हम लोगों को क्या काम होता था कि हम लोग इसको dy by dx निकालते थे। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज जो था वो था y बराबर, सपोज करते हैं log दिया है, ब्रैकेट में कोई दो चीज मल्टीप्लीकेशन में है या कोई भी दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है, तो log क्या बोलता है या log प्रॉपर्टी क्या है, ये दो लॉग में बढ़ जाएगा, लॉग पहला वाला लॉग दूसरा वाला। तो y इक्वल टू लॉग सिंपल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज यूज होके सिंप्लीफाई होके क्या होगा, लॉग पहला वाला टर्म प्लस आएगा लॉग दूसरा वाला टर्म। ये सिंपल होके हो गया। ये प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टीज याद क्या रखना है, आपको बस देखना है लॉग का बगल में जो ब्रैकेट दिया रहेगा वहां पे जो टर्म दिया होगा उसको थोड़ा सा एग्जामिन करना है, वहां पे क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि यहाँ क्या प्रॉपर्टीज लगेगा या नहीं, प्रॉपर्टीज लगेगा या नहीं वो यहीं से पता चलेगा। अगर यहाँ का पावर कुछ दिया है प्रॉपर्टी लगेगा, अगर यहाँ पे बीच में इंटू है तो प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कैसे लगेगा तो याद रखना है दोनों लॉग में टूटेगा, दो बीच में प्लस आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, अगर कुछ ऐसा दिया रहे y बराबर log x प्लस वन बाय x प्लस टू, तो log क्या बोलता है, log बोलता है ये भी टूटेगा, log पहला वाला या log ऊपर वाला y इक्वल टू सिंपल होके प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, log ऊपर वाला, ऊपर वाला टर्म क्या x प्लस वन माइनस लॉग नीचे वाला, नीचे वाला टर्म हमारा क्या है x प्लस टू। सो बेसिक तीन प्रॉपर्टीज है एंड उसको आपको अपने आप को उसमें बहुत ही एफिशिएंट बनाना होगा। इतना आपको क्वेश्चन बनाना है कि आप देखते के साथ समझ जाओ क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं, लॉग का कहां पे यूज करके और क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए y बराबर एन लॉग एक्स है तो dy by dx हमारा क्या होगा, यहां पे सपोज करते हैं n बाहर आ जाएगा, फिर dy by dx ऑफ log x, n तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, dy by dx ऑफ log x मैंने बताया था log कुछ भी रहे 1 बाय वो इन टू
जो भी 1 by by में जो आएगा उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n by x into dx by dx 1, तो n by x ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज लगा के सिंपल हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लग गया है। अब आगे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोगों ने प्रॉपर्टीज यूज किया dy by dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ log x प्लस 1 प्लस d by dx ऑफ log x प्लस 2, और ये सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग बेसिक निकालते हैं लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय x प्लस 1, फिर x प्लस 1 को करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही रहना है, एंड 1 इंटू 1 बाय x प्लस 1, 1 बाय x प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे इसी तरह से क्या बचेगा, 1 बाय x प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाय x प्लस 1, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 बाय x प्लस 2, उसको सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। तो आप बताइएगा कि आपसे बन पा रहा है या नहीं, आप सॉल्व करिएगा खुद से, अगर नहीं बनेगा तो आपको फिर बताना है आगे। बट मेरा बेसिक पर्पस अभी क्या था कि आपको जस्ट गो थ्रू करवाना, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है लॉग का उनसे वाकिफ करवाना, रूबरू करवाना तुरंत। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जो है, एंड आप लोग बेसिक समझने का कोशिश कीजिएगा। कहीं भी कोई भी समस्या आए जल्दी से आपको कमेंट करके वहां पे बता देना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो बिकॉज ये सब बेसिक है, आप जब तक नहीं समझोगे इकोनॉमिक्स का पढ़ने में मजा बिल्कुल नहीं आएगा। तो बिल्कुल हम लोगों को इसको समझना होगा, एंड एल्स वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन, कि बिना समझे काम चला लेंगे, मैथ थ्योरी पेपर तो है नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, जैसे कि y बराबर log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सारा प्रॉपर्टीज लॉग का अभी यहाँ पे लगेगा, तो एकदम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो और अच्छे से प्रॉपर्टीज को समझ पाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, हम क्या बोले, जैसे ही लॉग का टर्म देखना पहला प्रिकॉशन वहां पे तुरंत ले लेना, आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज आपको ब्रैकेट में देखना है लॉग के बाद, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो टर्म है, एक एक्स है और एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर है, बीच में इंटू है, और इंटू में एक प्रॉपर्टीज भी आता है, क्या आता है कि जैसे बीच में इंटू रहे आगे लॉग रहे तो वो दो टर्म में टूट जाता है, लॉग पहला टर्म जो कि एक्स है प्लस लॉग दूसरा टर्म जो कि क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, ये टूट गया, अब ध्यान से समझिए बात को, यहां पे फिर से दो लॉग में बढ़ गया, फिर से देखिए क्या क्वेश्चन और सिंपल हो सकता है क्या। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, लॉग है उसके अंदर वाले को देख रहे हैं यहाँ एक्स है और कुछ है नहीं, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, पावर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो सिंपल है। बट यहाँ पे देखिए क्या, रूट अंडर जो है उसको हम लोग ये लिख सकते हैं पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल का पावर 1/2, रूट अंडर को तो लिख ही सकते हैं, पावर आ गया फिर क्या लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा या नहीं, पावर आता है तो लॉग क्या बोलता है, पावर को हम लोग पीछे ले जाएंगे और सिंपल करेंगे, तो ये और सिंपल होके क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल फॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी क्या यूज हुआ, पहला मल्टीप्लीकेशन, फिर जैसे ही सिंपल हुआ फिर एक प्रॉपर्टीज लग गया पावर वाला, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या निकालते हैं, डीवाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएट करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर वाला क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स बराबर dy dx of log x plus dy dx of
वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से सिंपल सा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, क्या ब्रैकेट के अंदर एक्स है तो वन बाई ब्रैकेट वाला जो भी है, फिर से जो ब्रैकेट वाला है उसको फिर से हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, वन बाय टू इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग जो भी है वन बाय ब्रैकेट वाला ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, फिर से ब्रैकेट वाला का होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन बाय एक्स डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, और वन बाय एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय टू इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से यहां देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा टू एक्स, प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा जीरो, तो टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स ही रहेगा, तो वहां पे टू एक्स बच गया हमारा, क्या टू और टू कैंसिल होगा या नहीं, हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारा वन बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो और सिंपल कर सकते हो, नीचे में हमारा आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई भी समस्या आए तो बताइएगा, आंसर यही है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में नहीं मिल पा रहे, बट आप जब भी पढ़ रहे हो तो पूरा मजे से पढ़ो, अपने आप संतवाना देने के लिए कंसोलेशन देने के लिए बातें देने के लिए मत पढ़िएगा, ठीक है। तो आप ऑफलाइन जैसे पढ़ो, कोई भी समस्या आए कुछ भी आए पूछना है, मैं फ्री रहूंगा आपको, जरूर उसी टाइम आपको कमेंट का आंसर आपका दे दूंगा, ठीक है ना। तो मन में कोई भी समस्या डाउट नहीं रखना है, वरना और वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे बीमारी रखते हैं हम लोग क्या होता है वो और बढ़ते चला जाता है, तो उसको बिल्कुल नहीं रखना है मन में, कोई भी डाउट आए तुरंत पूछ लेना। चलिए तो देखे कितना मजेदार क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और बताएंगे, बट उससे पहले ये क्वेश्चन बताते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आधा बता के छोड़ा था। क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई बराबर लॉग रूट अंडर एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। थोड़ा ध्यान से समझते हैं, मैंने क्या बोला, जब भी रूट अंडर या फिर क्यूबिक फॉर्म या फिर कुछ भी एनथ फॉर्म में कुछ भी रूट अंडर दिया रहे, कुछ भी दिया रहे एनथ फॉर्म दिया रहे, तो उसको पावर में पहले बदल लीजिए। तो y बराबर log x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन का होल का पावर वन बाय टू। अब पावर वन बाय टू है, पावर क्या होगा बाहर आएगा, सिंपल हो जाएगा, प्रॉपर्टीज लगेगा log में है और अंदर वाले में क्या पावर है कुछ, होल का बाहर आ गया पावर, क्या बचेगा log x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। चलिए अब देखते हैं अंदर में, फिर अभी डिवीजन में है एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, फिर से प्रॉपर्टीज लगेगा, क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज लग के वन बाय टू, ये दो लॉग में बटेगा, क्या बोलता है प्रॉपर्टीज लॉग का कि कोई भी लॉग के अंदर वाला डिवीजन के फॉर्म में है तो वो कैसे टूटता है, लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, ठीक है ना। तो ये अब कोई सिंपल नहीं हो सकता, ये ही हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स, इधर वाला इधर वन बाय टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन, ये होगा। आगे देखते हैं वन बाय टू लॉग कुछ भी रहे क्या होता है डिफ्रेंसिएशन वन बाय वो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन
log x minus 1 का क्या हो जाएगा 1 by x minus 1 into d by dx of x minus 1. मैं ये जानबूझ के बता रहा हूँ कि आप इसका फिर से करो, जबकि हालांकि करने का जरूरत नहीं है, आप देखोगे इसका वैल्यू 1 ही आएगा, बट आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप अभी मास्टर मत बनो इतना कि डायरेक्ट 1 लिख दे और 1 by x plus 1 यहाँ पे 1 by x minus 1 रहने दे, वैसे नहीं करना, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है अभी आपको. क्या हो जाएगा 1 by 2 into 1 by x plus 1 into d by dx of x, क्या हो जाएगा 1 और d by dx of 1 0, तो 1 plus 0 1 and 1 into anything that will be 1 by x plus 1 plus 1 by x minus 1 into d by dx of x 1 आएगा minus d by dx of 1 0 आएगा 1 minus 0 1 and 1 into 1 by x minus 1 that will be 1 by x minus 1. चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा एलसीएम लेते हैं, 1 by 2 x plus 1 into x minus 1, क्या हो जाएगा यहां पे x minus 1 plus x plus 1 minus 1 plus 1 cancel, तो 2x 1 by 2 into 2x by x square minus 1, इसको लिख सकते हैं a plus b into a minus b. अब देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा फाइनल क्या आएगा x by x square minus 1. सो कितना मजेदार कंसेप्ट है, कितना आपको वर्क करना पड़ेगा ये समझिए बात को, जब तक वर्क नहीं कीजिएगा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. ओके सो बनाइए, दो बार तीन बार जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है एटलीस्ट उतना तो बनाना है, बनाना है ये अपने आप में फिक्स कर दीजिए. वीडियो देख रहे हो अगर तो उस दिन उतना क्वेश्चन ही करना है, एक बार यहां से देखने के बाद पढ़ने के बाद फिर से एक बार उसको अपने से बनाना है, ये सारा चीज आपको करना होगा और अच्छे से इन सभी कंसेप्ट को समझने